हेलो फ्रेंड्स, मैं विनय निर्भिक। फ्रेंड्स, आपका फिर से हमारे चैनल पर स्वागत है। फ्रेंड्स, आज मैं सारे आस्क क्वेश्चन लेकर के आया हूँ, या फ्रेंड जो आज और कल एसएससी सीजीएल प्रीलिम्स में पूछे गए हैं, यानी एसएससी सीजीएल टायर वन के एग्ज़ाम में जो भी क्वेश्चन पूछे गए हैं, जीके के, मैथ्स के और इंग्लिश के जो भी क्वेश्चन हैं, मैं उन्हें कवर करके यहाँ लाया हूँ। मतलब जो एग्जैक्टली मिले हैं, ज़्यादा क्वेश्चन तो नहीं मिले, फिर भी जो मिले हैं एग्जैक्टली वही मिले हैं, इसलिए मैं इन्हें लेकर के आया हूँ। और कुछ एक्सपेक्ट क्वेश्चन बताऊँगा उन्हीं के बेस पे कि अपकमिंग शिफ्ट के लिए आपको क्या प्रिपेयर करना चाहिए, कैसे क्वेश्चन प्रिपेयर करना चाहिए। तो आप थंबनेल भी देख रहे हैं हमारा क्या है, एसएससी सीजीएल आस्क्ड क्वेश्चंस टिल डेट 3rd मार्च ऑल शिफ्ट्स, 4th मार्च ऑल शिफ्ट्स, एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस फॉर अपकमिंग शिफ्ट्स, जनरल अवेयरनेस, इंग्लिश लैंग्वेज, मैथ्स। तो फ्रेंड्स, मैं वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक बात कहना चाहूँगा, अगर आप हमारे चैनल पहली बार विजिट किए, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए, तो एक बार इसे सब्सक्राइब जरूर कर लें। इसके साथ साथ बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें, ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल सके और आप मेरा वीडियो सबसे पहले देख सकें। और हाँ फ्रेंड्स, इसके साथ साथ अगर आप हमको अभी तक फेसबुक पे या फिर ट्विटर पे या इंस्टा फॉलो नहीं किए हैं, तो वहाँ भी आप फॉलो कर सकते हैं। इन सब का लिंक मैं अभी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दे रहा हूँ, आप वहाँ से जा करके लिंक क्लिक करके मुझे फेसबुक पे भी फॉलो कर सकते हैं, इंस्टा भी फॉलो कर सकते हैं और ट्विटर पे भी फॉलो कर सकते हैं। अगर डायरेक्ट मुझसे बातें करनी है तो ट्विटर, फेसबुक और इंस्टा पे तो आपको फॉलो करना ही होगा। ठीक है फ्रेंड्स, अब आते हैं अपने वीडियो पे। मैं आज क्वेश्चन बताऊँगा और कुछ एक्सपेक्टेड क्वेश्चन बताऊँगा जो अपकमिंग शिफ्ट्स में आ सकते हैं। ठीक है, ये मेरे तरफ से एक्सपेक्टेड गारंटी नहीं कि यही आ ही जाएंगे, बट एक्सपेक्टेड बताऊंगा इन्हीं के बेस पे। और जो दो दिन के क्वेश्चन आए हो तो मैं दिखाऊंगा तो एक्जैक्टली वही होने वाले हैं। मान लीजिए एक दिन में 75 क्वेश्चन जीके के होते हैं, 75 नहीं मिल पाए मुझे एक्जैक्टली, क्योंकि सभी के पूरे क्वेश्चन याद नहीं होते हैं, तो 35-40 तो मैं करा ही दूंगा एक दिन का। ठीक है, तो अब आते हैं अपने वीडियो पे। तो पहला देखते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन आस्क्ड इन एसएससी सीजीएल जनरल अवेयरनेस 3rd मार्च 2020, यानी कल के क्वेश्चन से मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। ठीक है, पहला क्वेश्चन था वेयर इज़ द हम्पी लोकेटेड, तो इसका आंसर फ्रेंड्स कर्नाटका, यानी हम्पी कहाँ स्थित है तो कर्नाटक में। मैं इंग्लिश में और हिंदी में दोनों बताने की कोशिश करूँगा, ताकि इंग्लिश वालों को भी प्रॉब्लम ना हो और हिंदी वालों को भी प्रॉब्लम ना हो। लिखने को तो मैं इसे इंग्लिश में ही लिखा हूँ, बट हिंदी में एक्सप्लेन कर दूंगा, ताकि आप लोगों को कोई इशू ना हो। फिर नेक्स्ट क्या है, द साइट ऑफ सांची वॉज डिस्कवर्ड इन द ईयर 1818 बाई जनरल टेलर, यानी कह रहा है कि जो सांची स्तूप का जो स्थान था वो किसके द्वारा डिस्कवर किया गया था, जनरल टेलर के द्वारा, कब, 1818 ईस्वी में। बुक नॉट रिटन बाई सलमान रश्दी, यानी एक ऐसा क्वेश्चन आया था कि कौन सा बुक सलमान रश्दी ने नहीं लिखा है। तो चार ऑप्शन रहे होंगे, जो तीन बुक उनके रहे होंगे और एक बुक का नाम जो रहा होगा उनसे रिलेटेड नहीं रहा होगा। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्या है, साहित्य अकादमी अवार्ड 2019 किसे दिया गया, यानी साहित्य अकादमी अवार्ड 2019 किसे दिया गया, तो शशि थरूर को इसका आंसर है। नेक्स्ट, सीएम ऑफ छत्तीसगढ़, तो अभी प्रेजेंट में सीएम कौन है, यानी छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री कौन है, तो भूपेश बघेल है। तो फ्रेंड्स, यहाँ से आप देख सकते हैं यहाँ से क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाते हैं, आपको सारे स्टेट्स के सीएम और गवर्नर के नाम याद होने चाहिए। अगर आपका एग्ज़ाम कल है, परसों है, 5, 6, 7, 8, 9 कभी भी है, तो आपको ये दो चीज़ याद होने चाहिए, सारे स्टेट्स के सीएम एंड गवर्नर, और इसके साथ साथ यूटीज़ के भी सीएम और लेफ्टिनेंट गवर्नर। अगर ये आपको याद हो जाएगा तो एक मार्क आपका पक्का हो जाएगा, मतलब एक क्वेश्चन, सॉरी फ्रेंड्स, 2 मार्क्स हो जाएंगे, ये पक्का हो जाएगा, क्योंकि आप देख रहे हैं हर एक शिफ्ट में ऐसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्या है, प्रेसिडेंट ऑफ श्रीलंका, तो गोटाबाया राजापक्षे, यानी कि श्रीलंका के राष्ट्रपति। अब यहाँ से अब क्या कैसे क्वेश्चन बन सकता है फ्रेंड्स, तो प्रेजेंट में जो पूरे वर्ल्ड में जो इशू हो रहे हैं, मतलब कि जैसे कह सकते हैं कि कहाँ नए पीएम बने, कहाँ नए राष्ट्रपति यानी कि प्रेसिडेंट बने, पीएम मीन्स प्रधानमंत्री, तो हर एक देश के नए प्रधानमंत्री और नए राष्ट्रपति की लिस्ट तैयार करिए जो पिछले 2-3 महीने में चेंज हुए हैं, या 2-3 महीने में जहाँ पे इलेक्शन वगैरह हुए हैं। ठीक है, इतना काफ़ी है, मैक्सिमम 6 महीने तक जा सकते हैं, उसके अंदर से आपको सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे, ये जो पूरे वर्ल्ड से रिलेटेड है, यानी कि कहाँ के नए प्रधानमंत्री बने और कहाँ के नए राष्ट्रपति वगैरह बने। ठीक है, इनको भी आप इंक्लूड कर लेंगे तो अच्छा रहेगा, एक क्वेश्चन यहाँ से भी आपको एक कन्फर्म मिल जाएगा, यानी 2 मार्क्स यहाँ से आपको कन्फर्म मिल जाएगा। तो इसकी लिस्ट आप तैयार कर लीजिए, यही सब एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है फ्रेंड्स। ठीक है, क्योंकि इसी बेस पर सारे एग्जाम में क्वेश्चन आ रहे हैं, सारे शिफ्ट में जो भी है। फिर नेक्स्ट क्या है, शशि थरूर बुक, देखिए यहाँ शशि थरूर पूछा था कौन सा बुक नहीं है, अब नहीं वो तो उनका था ना, वो तो सलमान रश्दी का कौन सा बुक, साहित्य अकादमी अवार्ड से रिलेटेड था शशि थरूर। ठीक है, अब फिर नेक्स्ट क्या है, शशि थरूर की कौन सी बुक है, तो एरा ऑफ डार्कनेस। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, 4 कॉन्जिक्यूटिव डबल सेंचुरी इन टेस्ट मैच, यानी 4 लगातार डबल सेंचुरी टेस्ट मैच में कौन क्रिकेटर लगाया है, तो विराट कोहली। ठीक है, नेक्स्ट, हु गॉट पद्मश्री अवार्ड इन आर्चरी, तो इसका आंसर है लिम्बाराम, यानी कि पद्मश्री अवार्ड आर्चरी में कौन पाया, आर्चरी मीन्स तीरंदाजी, तीरंदाजी में पद्मश्री अवार्ड कौन पाया है, तो लिम्बाराम। नेक्स्ट, हु इज़ द फाउंडर ऑफ द गुप्ता डायनेस्टी, गुप्ता डायनेस्टी का फाउंडर कौन है, इसका आंसर मैं यहाँ नहीं लिया हूँ, इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं फ्रेंड्स, बताएंगे तो आप लोगों का प्रिपरेशन अच्छा होगा। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट, हु इज़ द प्रेजेंट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, यानी कि
भारत के वर्तमान मुख्य न्यायाधीश कौन हैं? तो कौन है? शरद अरविंद बोबड़े, जिन्हें एस ए बोबड़े भी कहा जाता है। और ये फाउंडर जो गुप्ता डायनेस्टी क्वेश्चन है, इसको हिंदी में कह सकते हैं गुप्त वंश का संस्थापक कौन है, तो इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे। नेक्स्ट, हु डिस्कवर न्यूट्रॉन, यानी न्यूट्रॉन की खोज किसने की? तो जेम्स चैडविक। फ्रेंड्स, इसी बीच में एक इंग्लिश का क्वेश्चन आ गया, सिनोनिम्स को भी कर लेते हैं। क्या दिया हुआ है? स्किन स्किंटलेटिंग एंड स्पार्कलिंग, ये सिनोनिम्स है एक दूसरे का, ठीक है, तो ये दे दिया यहाँ पे। नेक्स्ट क्या है? भूपेश बघेल इज द सीएम ऑफ, भूपेश बघेल किस स्टेट के सीएम है? तो अभी ऊपर क्वेश्चन आया था छत्तीसगढ़, ठीक है, छत्तीसगढ़ कौन है, तो ऐसे उल्टा क्वेश्चन पूछ दिया है। नेक्स्ट क्या है? 21st सेंचुरी फॉक्स बॉट बाई, तो जो 21st सेंचुरी जो है, ये फॉक्स किसके द्वारा खरीदा गया है? तो डिज्नी के द्वारा। नेक्स्ट, वर्ल्ड फूड प्रोग्राम WFP हेडक्वार्टर, यानी वर्ल्ड फूड प्रोग्राम विश्व खाद्य योजना का जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पे है? तो रोम में है, इटली के रोम में। नेक्स्ट, सावित्री बाई फूले बिलोंग्स टू विच स्टेट, तो सावित्री बाई फूले किस राज्य से बिलोंग करती हैं, यानी संबंधित हैं? तो महाराष्ट्र से। ड्राई आइस इज ऑल्सो कॉल्ड, तो ड्राई आइस यानी कि सूखा बर्फ, शुष्क बर्फ किसे कहा जाता है? तो सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड को, यानी कि शुष्क बर्फ का दूसरा नाम क्या है? सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड, यानी कि सोट कार्बन डाइ सॉरी सोट बोल ठोस कार्बन डाइऑक्साइड। नेक्स्ट, थॉमस ब्रिटिश एम्परर केम इन द रेन ऑफ विच मुगल एम्परर, तो थॉमस ब्रिटिश एम्परर जो था वो किस मुगल एम्परर के समय आया था शासन में? तो इसका भी आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे फ्रेंड्स। नेक्स्ट, रेपो रेट एंड रिवर्स रेपो रेट वेर डिसाइडेड बाई RBI, क्वेश्चन था किसके द्वारा डिसाइड किया जाता है रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट? तो ये RBI के द्वारा डिसाइड किया जाता है। नेक्स्ट, लीड रोल एक्ट्रेस इन मूवी मिशन मंगल, यानी मिशन मंगल मूवी में किसका लीड रोल है, मुख्य रोल किसका है, किस अभिनेत्री का? तो विद्या बालन। अब आपसे मैं ये कहूँगा फ्रेंड्स, इस मूवी से रिलेटेड एक्टर एक्ट्रेस डायरेक्टर प्रोड्यूसर सारी जानकारी आपको रखनी होगी, क्योंकि ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है इस मूवी से रिलेटेड, ठीक है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग बोन्स डज नॉट बिलोंग टू द ईयर, ईयर में कौन सी हड्डी नहीं पाई जाती है? तो फीमर, फीमर जानते हैं सबसे बड़ी हड्डी है जो जांग में पाई जाती है। नेक्स्ट, हु इज़ द प्रेसिडेंट ऑफ श्रीलंका, ठीक है, यानी कि श्रीलंका के राष्ट्रपति कौन हैं? ये हो गया फ्रेंड्स इतने क्वेश्चंस, और भी क्वेश्चन मैं दिखाता हूँ आपको। नेक्स्ट, करतारपुर कॉरिडोर वॉज इनऑग्रेटेड बाई प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, तो यहाँ क्वेश्चन था कि करतारपुर कॉरिडोर जो है किसके द्वारा उद्घाटन किया गया था? तो किसके द्वारा? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर्स हेल्प द रेड वॉर्म्स टू ग्राइंड देयर फूड, तो कौन सा जो स्ट्रक्चर है जो रेड वॉर्म्स को, यानी रेड वॉर्म्स को हिंदी में कह सकते हैं लाल खिचुआ को, उनको फूड लेने के लिए ग्राइंड करने के लिए कह सकते हैं, पचाने चबाने के लिए कह सकते, ग्राइंड मीन्स, ठीक है, तो कौन हेल्प करता है, कौन स्ट्रक्चर? तो गिजार्ड हेल्प करता है, ठीक है। हु वॉज द एम्बेसडर टू द कोर्ट ऑफ जहांगीर, तो जहांगीर के कोर्ट का एम्बेसडर हिंदी में कहते हैं सभापति शायद कहते हैं, ठीक है, कौन था? तो कौन था? थॉमस रो। ग्लोबल इन्वेस्टर्स मीट असेंट 2020 हेल्ड इन, तो ग्लोबल इन्वेस्टर्स मीट असेंट 2020 कहाँ हेल्ड हुआ था, कहाँ पे, मतलब इसका आयोजन किया गया था? तो कोची में। वेयर इज लेडी विलिंगटन पार्क, तो लेडी विलिंगटन पार्क कहाँ है? तो न्यू दिल्ली में, यानी नई दिल्ली में। विंग्स इंडिया इवेंट वॉज हेल्ड एट विच एयरपोर्ट, तो विंग्स इंडिया इवेंट किस एयरपोर्ट पे हुआ था, ये इवेंट कहाँ पे ऑर्गेनाइज किया गया था? तो हैदराबाद एयरपोर्ट, ठीक है। ब्रांड फाइनेंस नेशन रैंकिंग 2019, यानी इसमें इंडिया की रैंकिंग क्या है, ये क्वेश्चन पूछा था, ठीक है। हु वॉज द लास्ट रूलर इन द नंद डायनेस्टी, यानी नंद डायनेस्टी का आखिरी आखिरी शासक कौन था? तो कौन था? धनानंद। अमित शाह रिलीज्ड अ बुक रिसेंटली बेस्ड ऑन द बायोग्राफी ऑफ हुम, काम कर्म योद्धा ग्रंथ, तो किसके लिए था ये फ्रेंड्स? ये नरेंद्र मोदी की बायोग्राफी है, ठीक है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बायोग्राफी पे है, इसमें नहीं लिखा मैं बता दिया। फादर ऑफ अजात शत्रु, यानी अजात शत्रु के पिता कौन थे? तो बिंबिसार। विच एसिड इज प्रेजेंट इन विनेगर, तो विनेगर में कौन सी एसिड होती है, कौन सा अम्ल होता है? तो एस्टिक एसिड, यानी कि एस्टिक अम्ल। विच ग्लैंड इज प्रेजेंट बिटवीन द लंग्स, तो लंग्स के बीच में कौन सा ग्रंथि होता है? थाइमस ग्लैंड, यानी थाइमस ग्रंथि। डिस्ट्रिक्ट ऑफ कर्नाटका हैज़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, किस डिस्ट्रिक्ट में है वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कर्नाटका की, आपको बताना है। इंडस्ट्री 4.0 लॉन्च्ड विद द हेल्प ऑफ विच इंस्टीट्यूट, यानी इंडस्ट्री जो है आपकी उद्योग 4.0 किस इंस्टीट्यूट के हेल्प से लॉन्च किया गया? तो IIT कानपुर। हु इज़ द चीफ मिनिस्टर ऑफ पंजाब, पंजाब का मुख्यमंत्री कौन? अमरिंदर सिंह। नेक्स्ट, सुल्तान कबूस बिन सईद हु डाइड ऑन 10 जनवरी 2020 बिलोंग्स टू विच कंट्री, तो ओमान। तो जो सुल्तान
काबूस भी शायद थे जो 10 जनवरी 2020 की जिनकी मृत्यु हो गई, वो किस देश से बिलोंग करते थे, संबंधित थे, तो ओमान से। नेक्स्ट, अराकू वैली इज़ वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर हिल स्टेशन लोकेटेड इन आंध्र प्रदेश। तो अराकू वैली जो है वो पूछ रहा है अराकू घाटी किस प्रदेश में स्थित है, तो आंध्र प्रदेश में, जो बहुत ही फेमस हिल स्टेशन में आता है। फिर नेक्स्ट है फ्रेंड्स, वलवनाथ द किंगडम ऑफ वेलात्री वॉज इन केरला। ये पूछा था कि वेलवनाथ द किंगडम ऑफ वेलात्री यानी वेलात्री का जो राज्य था वो कहाँ पे था, तो केरला में था। वेयर इज लेडी विलिंगटन पार्क, तो न्यू दिल्ली। ये क्वेश्चन रिपीट हो गया फ्रेंड्स। हु रिसीव द दादा साहेब फाल्के अवार्ड इन 2020। दादा साहेब फाल्के अवार्ड 2020 में कौन पाया है, तो दिया मिर्जा। विच एसिड इज रिलीज वेन कटिंग अनियंस दैट रिजल्ट इन टीयर्स, तो सल्फेनिक एसिड। फ्रेंड्स ये काफ़ी अजीब क्वेश्चन है जो जल्दी एग्जाम में पूछता नहीं, पूछ लिया है, बिल्कुल अलग क्वेश्चन है, टफेस्ट क्वेश्चन कह सकते हैं। वेयर विल माधवपुर मेला हेल्ड, माधवपुर मेला कहाँ पे हो आयोजित होगा, तो गुजरात में। ये जो प्याज वाला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, प्याज काटने मतलब कौन सा एसिड निकलता है, ये निकलता है, तो ये पूछा है, ऐसे मैं हिंदी में बोल दूँ तो इसका आंसर होगा सल्फेनिक एसिड। नेक्स्ट, इन विच ईयर वॉज द नेम ऑफ द कैपिटल बॉम्बे चेंज टू मुंबई, यानी किस साल जो है बॉम्बे का नाम मुंबई कर दिया गया था, तो कब हुआ था, 1995 में, 1995। नेक्स्ट अब देखते हैं क्वेश्चन आस्क्ड इन एसएससी सीजीएल इंग्लिश लैंग्वेज 3 मार्च 2020। स्पेलिंग एरर, ह्यूमिलिएशन का स्पेलिंग दिया था फ्रेंड्स। फिर एडियम्स एंड फ्रेजेस में क्या था, अ हार्ड नट टू क्रैक। फिर एडियम एंड फ्रेजेस में क्या था, टेक अ फ्रेंच लीव। क्लोज टेस्ट टॉपिक क्या था, मोरल वैल्यूज रिलेटेड था फ्रेंड्स, ठीक है। एंटोनिम किसका किसका था, एक्सोडस, क्विसेंट, फ्रेगाइल। सिनोनिम्स किसका था, ऑब्लिगेटरी। स्टडी ऑफ डॉग्स इज कॉल्ड, ये वन वर्ड था, ठीक है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में, वन वर्ड फॉर सॉन्ग एट ब्यूरियल। इन सब का आंसर अगर आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे तो बहुत अच्छा लगेगा फ्रेंड्स, इससे आपका भी प्रिपरेशन होगा, दूसरों का भी प्रिपरेशन होगा। नेक्स्ट, क्वेश्चन आस्क्ड इन एसएससी सीजीएल क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड 3 मार्च 2020। तो ऐसा एक फ्रेंड्स ट्राइंगल दिया हुआ था ए बी सी डी, जिसमें क्वेश्चन पूछा था इफ एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी इज इक्वल टू 4, फाइंड द एरिया ऑफ ट्राइंगल बी डी ई, तो ऐसा क्वेश्चन था। फिर नेक्स्ट क्या था, इफ द ब्रेथ ऑफ अ रेक्टेंगल इज इंक्रीज बाई 40% एंड लेंथ इज इंक्रीज बाई सम परसेंट, देन फाइंड द परसेंटेज चेंज इन द एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल, ठीक है फ्रेंड्स, ऐसा क्वेश्चन था। फिर नेक्स्ट है, इफ एक्स स्क्वायर इंटू 2a इज इक्वल टू वाई स्क्वायर 2b इज इक्वल टू जेड स्क्वायर 2c, देन एक्स स्क्वायर अपन वाई स्क्वायर इज इक्वल टू व्हाट। फिर ऐसे नेक्स्ट है, देयर आर 640 स्टूडेंट्स, नंबर ऑफ बॉयज इक्वल टू 400, नंबर ऑफ गर्ल्स इक्वल टू 240, इफ 30 गर्ल्स एडेड देन ना देन हाउ मेनी बॉयज शुड बी एडेड टू मेक द रेशियो ऑफ बॉय टू गर्ल 14:9। तो कह रहा है किसी किसी स्कूल में 640 विद्यार्थी हैं जिसमें 400 छात्र हैं यानी लड़के हैं और 240 छात्राएं लड़कियां हैं, अगर 30 लड़कियां और ऐड कर दी जाती, जोड़ दी जाती हैं, तो कितने और लड़कों को जोड़ना पड़ेगा कि इन दोनों के बीच का अनुपात जो है 14:9 हो जाए। इसे हिंदी में बताने की कोशिश कर रहा हूँ फ्रेंड्स, हिंदी कन्वर्ट करना काफ़ी मतलब टफ होता है, इतना आसान नहीं होता है, मैं कोशिश कर रहा हूँ बताने का। नेक्स्ट है, इफ़ ए इज इक्वल टू 4 sin a, बी इज इक्वल टू 5 cos b, देन फाइंड ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। कह रहा है यानी अगर ए बराबर 4 sin या 4 sin दिया, बी बराबर 5 cos b दिया है, तो पूछ रहा है कि वैल्यू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का। नेक्स्ट, ए बी सी कैन डू द सेम वर्क इन 20, 15, 12 days रेस्पेक्टिवली, ए बी सी स्टार्ट वर्किंग टुगेदर फॉर 3 days, इन हाउ मेनी डेज द रिमेनिंग वर्क विल बी कम्प्लीटेड बाई ए। तो यहाँ कह रहा है कि ए बी सी तीनों जो हैं अलग अलग अगर काम करें तो किसी काम को 20 दिन, 15 दिन और 12 दिन में क्रमशः पूरा कर लेते हैं। ए बी सी तीनों अगर एक साथ स्टार्ट कर रहे हैं तो 3 दिन में कम्प्लीटली काम करते हैं, उसके बाद जो बच जा रहा है काम वो एक अकेले कर रहे हैं। क्वेश्चन में मेंशन नहीं, मैं आपसे बता, क्योंकि लिखा है कि कितने दिन में वर्क ए के द्वारा कम्प्लीट हो जाएगा, काम ए के द्वारा कम्प्लीट हो जाएगा, यानी ए उसके बाद अकेला बच जा रहा है, बी और सी छोड़ दे रहे हैं उस काम को 3 दिन के बाद, ठीक है, ये क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट अब आ जाते हैं फ्रेंड्स 4 मार्च पे, 3 मार्च के क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए। तो क्वेश्चंस आस्क इन एसएससी सीजीएल जनरल अवेयरनेस 4 मार्च 2020, विच आर्टिकल इज रिलेटेड टू द एबॉलिशमेंट ऑफ अनटचेबिलिटी, यानी छुआछूत को दूर करने के लिए कौन सा अनुच्छेद है, तो आर्टिकल 17 अनुच्छेद 17। हर्षचरित बुक वॉज रिटन बाई हुम, तो बाणभट्ट। इसमें कई लोग कन्फ्यूज होकर इसका आंसर लगा सकते हैं हर्षवर्धन, क्योंकि नाम से मिलता जुलता, पर ऐसा नहीं है फ्रेंड्स, ठीक है। वन क्वेश्चन रिलेटेड टू एबॉलिशन, एंड एबॉलिशन से क्वेश्चन रिलेटेड था, तो एबॉलिशमेंट ऑफ अनटचेबिलिटी तो आ चुका है आर्टिकल 17, ठीक है। नेक्स्ट, और फिर टू करंट अफेयर्स क्वेश्चन आस्क्ड फ्रॉम December 2019 एंड April 2019, यानी दो करंट अफेयर्स क्वेश्चन ऐसे थे जो December 2019 और April 2019 से बिलोंग करते थे, ठीक है, रिलेटेड थे। हर्षवर्धन बिकेम द किंग आफ्टर द डेथ ऑफ,
तो हर्षवर्धन किसके मौत के बाद राजा बने? तो किसके मौत के बाद? राज्यवर्धन के बाद। फिर व्हाट इज़ द कैपिटल ऑफ मगध? तो मगध की राजधानी क्या है? पाटलिपुत्रा। हु इज़ द चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ? आर्मी स्टाफ के चीफ कौन है? तो कौन है? मनोज मुकुंद नरावने। ठीक है, विच आर्टिकल रिलेटेड टू डिस्क्रिमिनेशन, यानी भेदभाव संबंधित कौन सा अनुच्छेद है? आर्टिकल 15 यानी अनुच्छेद 15। हाउ मेनी लेयर्स डज द मून हैव? चांद में कितने लेयर हैं, कितनी परत है? थ्री लेयर्स यानी तीन परत हैं। वन क्वेश्चन रिलेटेड टू टेम्पल, एंड टेम्पल रिलेटेड कोई क्वेश्चन आया था जो याद नहीं है अभी। ठीक है, गोल गुंबज इज लोकेटेड इन, तो गोल गुंबज कहाँ पे स्थित है? तो ये विजयपुरा कर्नाटक में स्थित है। ठीक है, नेक्स्ट, जेरोफ्थैल्मिया इज अ प्रोग्रेसिव आई डिजीज कॉज्ड बाई अ डिफिशियंसी, किसके डिफिशियंसी होता है? विटामिन ए की डिफिशियंसी। ठीक है, जेरोफ्थैल्मिया, ठीक है, एक आई डिजीज है यानी आँख से संबंधित बीमारी है जो विटामिन ए की डिफिशियंसी यानी कमी से होता है। मगध कैपिटल राजगृह गृहराज शिफ्टेड टू विच प्लेस आफ्टर 4 BC? तो मगध कैपिटल जो राजगृह था या गृहराज था वो किस प्लेस पे शिफ्ट कर दिया गया, कहाँ शिफ्ट कर दिया गया? पाटलिपुत्र में शिफ्ट हो गया। ठीक है, राजगृह के बाद वेयर इज गोल गुंबद लोकेटेड? गोल गुंबद कहाँ लोकेटेड है? तो ये कहाँ है फ्रेंड्स? विजयपुरा यानी फॉर्मरली बीजापुर जिसका नाम था, कर्नाटका में है। ठीक है, तो गोल गुंबद जो है विजयपुरा कर्नाटक में स्थित है। राइट टू फ्रीडम यानी कि स्वतंत्रता संबंधित अधिकार कौन, स्वतंत्रता संबंधित अधिकार किस अनुच्छेद में है? आर्टिकल 19। ठीक है, यानी अनुच्छेद 19। हु इज़ द प्रेसिडेंट ऑफ द वर्ल्ड बैंक? तो वर्ल्ड बैंक का प्रेसिडेंट कौन है प्रेजेंट में? तो डेविड मैलपस। हु इज़ द करेंट आर्मी चीफ ऑफ इंडिया? जनरल बिपिन रावत। ठीक है, नेक्स्ट, हु कंस्ट्रक्टेड द सुदर्शन लेक? तो यानी सुदर्शन लेक का कंस्ट्रक्शन कौन किया? तो चंद्रगुप्त मौर्य। व्हाट इज़ द करंट जीडीपी रेट ऑफ इंडिया? 4.7%। तो करंट जीडीपी रेट इंडिया कितना है? 4.7%। पद्मश्री इन आर्करी, तो आर्करी में पद्मश्री किसको मिला? दीपिका कुमारी। जेरोफ्थैल्मिया कॉज्ड बाई विच विटामिन? तो विटामिन ए, विटामिन ए के द्वारा विटामिन ए की कमी से जेरोफ्थैल्मिया हो जाता है जो एक आई डिजीज है। नेक्स्ट, विच इट इज़ नोन एज द एथेंस ऑफ द ईस्ट? तो मदुरई, मदुरई को एथेंस ऑफ ईस्ट बोलते हैं यानी पूर्व का एथेंस बोलते हैं। ठीक है, ज्वारा डांस स्टेट, जारो डांस किस स्टेट से रिलेटेड है? तो मध्य प्रदेश। विच ऑफ द प्लेनेट इज बिटवीन मार्स एंड सैटर्न? तो जुपिटर है फ्रेंड्स, जो मार्स और सैटर्न के बीच में आता है यानी कि मंगल और शनि के बीच में कौन सा ग्रह आता है? तो बृहस्पति। ये क्वेश्चन पूछा, विच सिटी इज नोन एज ट्विन सिटी इन इंडिया? तो कौन से शहर ऐसे हैं जो जुड़वे शहर कहे जाते हैं भारत में? कौन से हैं? तो हैदराबाद और सिकंदराबाद, दोनों को जुड़वा शहर कहा जाता है। इन्वेंटर ऑफ ओम्स लॉ बिलोंग टू विच कंट्री? तो ओम्स लॉ के जो प्रतिपादक थे यानी कि जो उसको दिए थे उस नियम को, कहाँ से बिलोंग करते थे, किस कंट्री से? तो जर्मनी से। विच गैस इज नोन एज मार्स गैस? किस गैस को मार्स गैस कहते हैं? तो मेथेन को। वेयर रेड ब्लड सेल्स आर मेड? लाल रक्त कणिकाएँ कहाँ बनती हैं? तो बोन मैरो में बनती हैं यानी अस्थि मज्जा में बनती है। ठीक है, जेली फिश बिलोंग्स टू विच फाइलम ग्रुप? तो जेली फिश जो है वो किस ग्रुप से बिलोंग करती है? ठीक, किस फाइलम ग्रुप से बिलोंग करती है? तो निडेरिया ग्रुप से बिलोंग करती है। ठीक, विच यूनियन मिनिस्टर रिसेंटली रिलीज द बुक कर्मयोद्धा ग्रंथ? अभी बताया ना पिछले दिन क्या पूछा हुआ था कि कर्मयोद्धा ग्रंथ जो अमित शाह जी ने रिलीज किया किसके रिलेटेड था? तो वो मोदी जी से रिलेटेड था। अब यहाँ पूछ लिया राइटर का नाम, देख रहे हैं उसी क्वेश्चन को रिपीट किया दूसरे तरीके से, तो राइटर कौन हो जाएगा? अमित शाह। ठीक है, इसलिए आपको प्रीवियस क्वेश्चन देखना ही देखना होता है प्रीवियस का, क्योंकि काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है जो रिपीट करते हैं क्वेश्चन। ठीक है, उस रिलेटेड आप देख लीजिए, उसका आंसर इस क्वेश्चन में आ गया। ठीक है, आप देख सकते हैं, मतलब उसी क्वेश्चन में मेंशन था ऑलरेडी इसका आंसर। नेक्स्ट क्या है? सुचेता कृपलानी द फर्स्ट वोमेन फ्रीडम फाइटर बीकेम सीएम ऑफ स्टेट? तो सुचेता कृपलानी जो थी वो प्रथम महिला फ्रीडम फाइटर या स्वतंत्रता सेनानी थी। तो किस स्टेट, किस राज्य की सीएम बनी या मुख्यमंत्री बनी? उत्तर प्रदेश। द फर्स्ट गवर्नर ऑफ एमपी, मध्य प्रदेश के पहले राज्यपाल कौन थे? तो डॉक्टर पट्टाभी सीतारमैया। ठीक है, जे एम केनीज इकोनॉमिस्ट बिलोंग्स टू विच कंट्री? जे एम केनीज जो है किस देश से बिलोंग करते हैं, जो एक इकोनॉमिस्ट है यानी अर्थशास्त्री? तो ब्रिटिश से। ठीक है, हु इज़ द करंट फॉरेन सेक्रेटरी ऑफ इंडिया? भारत के करंट फॉरेन सेक्रेटरी कौन है यानी विदेश सचिव कौन है? तो हर्षवर्धन श्रृंगला। हु इज़ द चेयरपर्सन ऑफ IMF? IMF का चेयरपर्सन कौन है? तो क्रिस्टेलिना जॉर्जीवा। इन विच स्टेट इंटेंसिफाइड मिशन इंद्रधनुष IMI 2.0 लॉन्च? तो कहाँ ये लॉन्च किया गया फ्रेंड्स? इंद्रधनुष जो मिशन कहाँ लॉन्च किया गया फ्रेंड्स? उत्तर प्रदेश में। विच प्लेयर हैज टेकन 2 हैट्रिक इन ODI? इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि ODI में कौन प्लेयर 2 हैट्रिक लिया था। ठीक है, वेयर इज RBC फॉर्म? तो लाल रक्त कणिका कहाँ बनती है? बोन मैरो अस्थि मज्जा में। ठीक है, चिकनकारी एम्ब्रॉयडरी फेमस फ्रॉम विच प्लेस?
तो चिकनकारी जो कढ़ाई है कहाँ से मतलब फेमस हुआ है, किस स्टेट से रिलेटेड है, इसका भी आंसर आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे। फर्स्ट गवर्नर ऑफ एमपी, ऊपर क्वेश्चन आ चुका है, रिपीट हो गया है, इसका आंसर है डॉक्टर पत्ताभी सीतारमैया। ठीक है, हु इज़ द करंट इकोनॉमिक एडवाइज़र, करंट इकोनॉमिक एडवाइज़र कौन है, इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे। वेयर डिड द मीटिंग ऑफ आइलैंड डेवलपमेंट होल्ड, आइलैंड डेवलपमेंट की मीटिंग कहाँ हुई, इसका भी आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएं। कर्मयोद्धा ग्रंथ द बुक वॉज लॉन्च्ड बाई, अभी ये क्वेश्चन आ ही चुका है कि इसके राइटर अमित शाह हैं। ठीक है, नेक्स्ट, जवारा डांस बिलोंग्स टू विच स्टेट, जवारा डांस किस राज्य से बिलोंग करता संबंधित है, विच सिटी इज़ नोन एज एथेंस ऑफ द ईस्ट, ये तो आ ही चुका है आंसर भी, मदुरई। नेक्स्ट, ओम्स ला साइंटिस्ट बिलोंग टू विच कंट्री, ये भी हो चुका है। सुचेता कृपलानी इज द सीएम ऑफ विच स्टेट, व्हाट इज द केमिकल नेम ऑफ मीथेन, मीथेन केमिकल नेम क्या है, इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स बताएंगे। हु इज़ नोन एज नेपोलियन ऑफ इंडिया, तो आप देख सकते हैं क्या क्या क्वेश्चन है, मीथेन का रासायनिक नाम और नेपोलियन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है ये बताना है। ठीक, इसका आंसर आप लोग बताएंगे। नोवाक जोकोविच इज़ फ्रॉम विच कंट्री, नोवाक जोकोविच जो है वो किस देश से बिलोंग करता है, इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स बताएंगे। वन क्वेश्चन आस्क फ्रॉम द प्लांट किंगडम, ठीक है, यानी बायोस्टेट क्वेश्चन था, इसे आप लोग देख सकते हैं। नेक्स्ट, टेनिस लीजेंड हु हैज़ अ क्वाइन मिंटेड इन हिज ऑनर, तो इनका भी नाम बताया कौन है ये। और फिर जम्मू एंड कश्मीर से रिलेटेड कोई डांस पूछा था, फिर क्वेश्चन आस्क ऑन मुगल डायनेस्टी, यानी मुगल डायनेस्टी से रिलेटेड कोई था, यानी मुगल वंश से भी संबंधित कोई क्वेश्चन था। ठीक है फ्रेंड्स, अब नेक्स्ट देखते हैं क्या है, अब देखते हैं फ्रेंड्स क्वेश्चंस आस्क्ड इन एसएससी सीजीएल इंग्लिश लैंग्वेज 4 मार्च 2020, तो क्लोज टेस्ट क्या था, बेस्ड ऑन रिलीजन, रिलीजन संबंधित क्लोज टेस्ट था। ठीक, सिनोनिम किसका पूछा था, प्रिवेंट, काफ़ी इजी सिनोनिम। फिर सिनोनिम किसका था, आर्बिट्ररी, ये भी काफ़ी इजी सिनोनिम। प्रोडिगी, एक्नॉलेजमेंट, ये भी काफ़ी इजी। ईडियम, बैक टू स्क्वायर वन, ईडियम फिर क्या, नेक्स्ट, थ्रू अ फिट, इन सब का आंसर अगर आपको मालूम है तो आप कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा इनका आंसर क्या होगा। फिर ईडियम क्या था, द बीज नीज ईडियम। फिर स्पेलिंग किसका पूछा था, इनकरेजमेंट, क्लोज टेस्ट ऑन डिसिप्लिन मैनर्स इन लाइफ। ठीक है, फिर एंटोनिम क्या था, ऑब्सोलेट का। वन वर्ड क्या था, हु मैनेजेस द ऑपरेशन ऑफ लोडिंग और अनलोडिंग अ शिप, उसका क्या नाम होगा। ठीक है, और फिर ये देख सकते हैं क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए थे, तो यहाँ देख सकते हैं फ्रेंड्स क्या है, 30 × 2 − 15 × 1 = 0, फाइंड 25 × 2 + x² / 36, फाइंड द वैल्यू ऑफ 6 × 6 − 10 × 6 + 3 × 2 × 10 × 2 × x। फिर क्वेश्चन आस्क्ड ऑन क्वाड्रेटिक क्वेश्चन, क्वाड्रेटिक क्वेश्चन से संबंधित क्वेश्चन थे, यानी द्विघात समीकरण, टू नंबर्स विद डिविजिबिलिटी फ्रॉम 11 और 72 वर गिवन, 5x − 6y वैल्यू, मतलब ऐसे ऐसे मैथ्स में क्वेश्चन आए हुए थे, ज़्यादा डिटेल में नहीं, क्वेश्चन शॉर्ट में, क्वेश्चन आस्क इन ट्राइंगल एक्सटीरियर एंगल बाइसेक्टर। तो फ्रेंड्स इतने क्वेश्चन हो गए, ठीक है, मैं दोनों दिन क्वेश्चन बता चुका हूँ, इंग्लिश का भी बता चुका हूँ, जीए का भी बता चुका हूँ और मैथ्स का भी बता चुका हूँ। फ्रेंड्स अगर आपको वीडियो पसंद आ गई है, अब आप इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और कमेंट में जो क्वेश्चन मैं नहीं बता पाया जिनका आंसर, उनका आंसर आप लोग बताएंगे तो काफ़ी अच्छा रहेगा फ्रेंड्स। ठीक है, और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को तो सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले, इसके साथ साथ बेल आइकन बटन दबाना न भूले, ताकि आपको लगातार नोटिफिकेशन मिलता रहे और आप हमारा वीडियो सबसे पहले देखते रहें। ठीक है फ्रेंड, थैंक यू फ्रेंड्स।